कनाडा में खालिस्तानी समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अमेरिका में भारत विरोधी गैंग एक्टिव हो गया। उस गैंग की लीडर के तौर पर सामने आए हैं अमेरिकी सांसद इल्हान उमर, वही जिन्होंने 3 महीने पहले पीएम मोदी के अमेरिकी संसद में दिए गए ऐतिहासिक संबोधन का बहिष्कार ये कहते हुए किया था कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार होता है। इसराइल के साथ ही भारत विरोधी और मोदी सरकार की कट्टर विरोधी इल्हान उमर अमेरिका के मिनेसोटा की सोमालियाई मूल की मुस्लिम सांसद है। अमेरिका के सुर में सुर मिलाते हुए ऐसा लगता है कि इल्हान ने निज्जर की हत्या को लेकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा का नया कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। इल्हान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, ये आरोप बेहद गंभीर है कि कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत सरकार ने करवाई है। अमेरिका को कनाडाई जांच का पूरा समर्थन करना चाहिए। हम इस बारे में भी जानकारी देने का अनुरोध कर रहे कि क्या अमेरिका में भी इसी तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं। इस ट्वीट से साफ दिख रहा है कि शायद इल्हान को अमेरिका में बैठे पन्नू की चिंता हो रही, लेकिन भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर ने पन्नू और पूरे खालिस्तान को सीधा बता दिया कि कोई बच के नहीं जा पाएगा। जयशंकर ने अमेरिका के ही न्यूयॉर्क में इन आरोपों को खारिज कर दिया। जयशंकर ने ये कहा कि कनाडा में गैंगस्टर और आतंकियों को खुली छूट मिली है, लेकिन भारत के सबूतों पर कनाडा कोई कार्रवाई नहीं करता। लेकिन इस सफाई से इल्हान उमर को क्या लेना देना, क्योंकि इल्हान उमर एक ही प्रोपेगेंडा चाहती हैं, चाहे कश्मीर हो या खालिस्तान, भारत विरोधियों से पैसे लेकर वो जहर उगलती है और इसलिए खालिस्तानी समर्थक आतंकी निज्जर के बचाव में अब वो उतर गई है। लेकिन इल्हान जिस निज्जर के लिए आवाज उठा रही है उस पर कनाडा के एक अखबार वैंकूवर सन ने क्या खबर दी है जरा ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है कि निज्जर कनाडा में आतंकी कैंप चला रहा था, अब इल्हान का प्रोपेगेंडा समझने के लिए जरा ये तस्वीर देखिए। जिस तस्वीर के लिए इल्हान आवाज उठा रही उसका नाम अमेरिका ने ही नो फ्लाई लिस्ट में डाल रखा है। अब इल्हान उमर का वो सच देखिए जिस पर भारत ने पिछले साल अमेरिका से सवाल पूछने में देर नहीं की थी। दरअसल इल्हान उमर ने 18 से 24 अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान ही नहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अपना भारत विरोधी प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाया। भारत ने दो टूक कहा कि ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है क्योंकि भारत पीओके को अपना हिस्सा मानता है। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने उस वक्त कहा था कि उन्होंने भारत के जम्मू कश्मीर के एक हिस्से का दौरा किया जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अगर ऐसी नेता अपनी संकीर्ण राजनीति अपने घर में करना चाहती हैं तो करें, लेकिन इसके लिए हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का हनन करना निंदनीय है। खैर, इस रिपोर्ट से ये साफ हो गया कि इल्हान उमर सुपारी लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलती है। यही वजह है कि इस बार जब इल्हान ने निज्जर के समर्थन में पोस्ट किया तो सोशल मीडिया पर सवाल उठे कि इस बार पाकिस्तान ने पैसों का इंतजाम कैसे किया, क्योंकि वो तो कंगाल बिहाल पहले से ही हो चुका है। लेकिन अब आपका क्या कुछ कहना है इल्हान उमर को लेकर, जो एक मुस्लिम सांसद है अमेरिका की, उसको लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।